आतिशी आफ्ताब कहाँ है ये आपको पता चल गया है ना? पता ना चलता तो ये आपकी निकाह की तारीख क्यों बदलवाते? बेशक इनकी वजह से तो कल आपका निकाह हो रहा है। हमारी वजह से? जी हाँ, हमने सुल्ताना को कहते हुए सुन लिया था कि निकाह की तारीख को ही वो आतिश आफ्ताब निकालेंगी, और ये बात आपने कहीं ना कहीं से तो सुनी ली होगी ना, तभी तो कोई ना कोई तरकीब लगाकर आपने निकाह की तारीख कल करवा दी, क्योंकि जितना जल्दी निकाह होगा उतना ही जल्दी आतिश आफ्ताब बाहर निकलेगा और उतनी जल्दी आप आतिश आफ्ताब को ले जाएंगे बगदाद। घबरा क्यों रहे हैं वजीर आला? अब आवाम की भलाई के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, आपको अपनी आवाम की कितनी फिक्र है ना वजीर आला। क्या खाक फिक्र है? मेरा मतलब फिक्र है, लेकिन निकाह के दिन आतिश आफ्ताब को निकाला जाएगा ये बात सबको पता है। वजीर आला, आपको इसके अलावा कुछ पता है? कैसे पता होगा, जब से यहाँ आए हैं क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस। अली साहब, कैसे कह दिया आपने ऐसा? पहली बार पीना और सोना इनके शौक है, लेकिन खाना मेरा शौक है। अली साहब सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि भाईजान जब से यहां आए हैं तब से बस आतिशे आफ्ताब को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये एक नेक दिल है, बहुत ही ईमानदार शख्सियत है भाईजान। अब आप ये सिधाई ना दिखाएं, बताइए आप क्या जानते हैं, सब बता दीजिए। बताइए। जनाब मेरी बात सुनो, गुलगुले इतना बोलने को किसने कहा था? बताएंगे या नहीं वजीर आला? बताते हैं। जुनैद साहब सही कह रहे थे, आतिश आफ्ताब को एक तिजोरी में रखा गया है, जिस तिजोरी को सुल्ताना अदाया के उंगलियों के निशान से खोला जाएगा, समझे? और जब अली साहब को निकाह के लिए वहां ले जाया जाएगा, तब इस आतिश आफ्ताब को बाहर निकाला जाएगा ताकि निकाह मुकम्मल हो और उस आतिश आफ्ताब को दरबार में लाया जाए। सुन लिया ना? सुन लिया आप दोनों ने? अब तो आप समझ गए कि मेरे भाईजान जैसा और कोई नहीं। बोलती बंद हो गई ना? वाकई आपके भाईजान जैसा कोई नहीं। तो ठीक है, यहां तक का रास्ता मैं वजीर आला ने दिखाया, आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा। कल जब मैं और सुल्ताना तिजोरी खोलने वहां जाएंगे, वजीर आला जुनैद जी और शहजादी आप सब वहां पर तैयार रहिएगा। जैसे ही तिजोरी खुलेगी आतिश आफ्ताब लेकर एक साथ वहां से निकल जाइएगा। मैं भी इस निकाह से बचकर वहां से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। हवा के झोंके की तरह आतिश आफ्ताब को लेकर उड़ जाएंगे और इन लोगों को खबर तक नहीं होगी। नक्चुरी तुम समझ गई हो ना मैं क्या सोच रहा हूँ? समझ गए, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारी सुल्ताना के साथ साथ इस महल को भी दुल्हन की तरह सजा दो। जी जाओ। रुकिए, ये लीजिए, इन्हें सुल्ताना तक पहुंचा दीजिए।
ये इनके बेशकीमती खानदानी जेवर हैं। ये खानदानी जेवर मिश्र की हर सुल्ताना अपनी निकाह पे पहनती है। हम आप पर यकीन करके आपको दे रहे हैं, लीजिए। जाइए। मर्द का दिल टूटता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, पर एक औरत का दिल टूटता है तो किसी को नहीं पता चलता। हमारी मजबूरी है कि हम जानते हैं आज आपका या हमारा एक का दिल जरूर टूटेगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिएगा। आप ये दाईजान ने आपके लिए भेजा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। ये अली साहब का पसंदीदा रंग है। क्या आप इसे पहनाने में हमारी मदद करेंगे? भाई, माना कि तुम निकाह के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन असल में निकाह नहीं करना, इतना घबराओ नहीं। कहना आसान है जिनू, बेटे की तुम झूठ मूठ का ही सही, मैं निकाह के लिए तैयार हो रहा हूं। सुल्ताना अदाया का दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अफसोस मुझे ये बगदाद के लिए करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इस निकाह का वजन मैं अकेला नहीं उठा सकता, मेरे साथ रहिएगा। कैसे लग रहे हैं हम? आपके दोस्त को हम खूबसूरत लगेंगे ना? जिसका दिल खूबसूरत हो उसे दुनिया में सिर्फ खूबसूरती ही नजर आती है, और हली का दिल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब अदा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। छड़ी, अच्छा हो तुम आ गए नकचड़ी। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमें कैसे भी करके आतिशी आफ्ताब लेकर यहां से निकलना होगा, तुम्हें सफर से पहले। इम्तिहान आने वाला है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अल्लाह और अम्मी ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। प्यारी परेशानी जी, और हमेशा वाले भाई का ख्याल रखना। आप भी शेख जिनू। जी जरूर। अच्छा वो कमीना मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं निकलता हूं। तौबा, तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वैसे काले चोर, तुम आज तक हमारे लिए तो कभी इतना तैयार नहीं हो गया है। क्योंकि मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं तैयार होऊंगा तो अपने निकाह पर। वहां बेचारी अदाया बेचैन, यहाँ तुम बेचैन। या अल्लाह, ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी भला? तुम उससे मिली? हाँ, दाईजान के कहने पे हमने तैयार होने में उसकी मदद की। तुमने मदद की? हाँ। काले चोर,
नकचड़ी, हमें बहुत होशियार रहना होगा। कैसे भी करके हमें मिस्र की फौज को जख्मा देकर यहां से आतिश आफ्ताब लेकर निकलना होगा। और अगर जफर के हाथ आतिश आफ्ताब लग गया तो सीधा सोर मीनार जाकर रास्ते कायनात का तीसरा दरवाजा खोल देगा। और उसके बाद क्या होगा मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। और हां नकचड़ी, एक और बात, सुल्ताना अदाया आने वाली होंगी, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि नकचड़ी मैं तुमसे बहुत सुल्ताना निकाह की शाही रस्म का वक्त हो गया है। तुम लोग जाओ, ये रस्म हम खुद पूरी करेंगे। सुल्ताना कैसी रस्म? अभी पता चल जाएगा। चले चल। ये रस्म सुल्ताना और सुल्तान मिलकर करते हैं, इसमें बाहर के लोगों का कोई काम नहीं। काजी साहब। जी सुल्ताना साहिबा। अली साहब, आज से हमारी जिंदगियां, हमारे दिल, हमारा गम, खुशियां सब एक होने वाली है। हम हमेशा से चाहते थे कि जब हमारा निकाह हो हमारे चारों ओर खुशियां ही खुशियां और हमारे अपने लोग हो, इसलिए सिपाही यहीं बाहर पहरा देंगे। आपके और हमारे अलावा निकाह में सिर्फ आजी साहब होंगे। पर हम जा कहाँ रहे? जहाँ किस्मत ले चले। आप हमारा हाथ थामिए और चलिए। आप हमारे होने वाले शौहर और मिस्र के होने वाले सुल्तान हैं, इसीलिए हम आपको मिस्र का सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं। दिल तो आपको पहले ही दे चुके हैं, अब यकीन भी दे रहे हैं। हम दोनों का ख्याल रखेंगे ना। मैं आपको सच बता पाता, पर मैं मजबूर हूं। आप यकीन करें, आपका हर राज मेरे पास महफूज होगा। होगा होगा, जरूर होगा। दुनिया जानती है कि मिस्र एक ताकतवर मुल्क है, पर इस मुल्क के ताकत के पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। वो वजह है आसमान का सूरज, और मुझे वही ताकत अपने मुल्क को बचाने के लिए चाहिए। हम लोग सूरज को रा कहते हैं, और कोई भी पाक मौके पर हम आतिश आफ्ताब को, जो कि अपने किस्म की एक लौती चीज बची है, बाहर लाके उससे हम रहम और खुशियों की दुआएं करते हैं, जो कि सीधा रा तक पहुंचती है और उन्हें कबूल करनी ही पड़ती है। आज हम अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप और हम मिलकर राह से दुआ करेंगे।
हम आतिश आफ्ताब के कमरे तक पहुंचते ही वाले थे कि अब क्या करें। निकाह का वक्त हो गया है, आइए। हमारा निकाह तो आतिश आफ्ताब के सामने होने वाला था ना, लेकिन यहाँ तो मुझे आतिश आफ्ताब कहीं नजर नहीं आ रहा है। आएगा, लेकिन जब हम चाहेंगे तब दिखाते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, तिजोरी में रखे आतिश आफ्ताब तक पहुंचना है तो हमें सिपाहियों का सामना करना ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आतिश आफ्ताब हमेशा इबादत के कमरे में ही रहता है, हमारा निकाह भी यहीं पढ़ा जाएगा। बगदाद में हालात खराब होते जा रहे, वक्त निकलता जा रहा है, ये मुसीबत की घड़ी ना जाने कब खत्म होगी। अगर ये निकाह ना हुआ तो अदा का दिल टूट जाएगा, पर अगर बगदाद की खातिर मुझे ये निकाह करना पड़ा तो नकचुड़ी का दिल और उसके साथ साथ मैं भी टूट जाऊंगा। दरवाजा अब तक खुल चुका होगा और अली साहब और अताया अंदर जा चुके होंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। चलिए जल्दी कीजिए, आइए।